एक बार की बात है, एक गांव से एक एक करके कई बुजुर्ग गायब हुए जा रहे थे। सभी लोग परेशान थे कि गांव के बुजुर्ग कहां जा रहे हैं। एक दिन गांव में कोहराम मच जाता है, जब एक बुजुर्ग का आधा खाया हुआ शरीर पास के खेतों में मिलता है। सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। भाई बंटी, तुमने सुना, पास के खेत में वो जो बुजुर्ग गायब हुए थे उनमें से एक का आधा खाया हुआ सिर मिला है। मैंने तो अपने दादा दादी को घर से बाहर निकलने को साफ मना कर दिया। हाँ भाई, सुना क्या, मैं तो खुद देख कर आया। बहुत बुरी हालत की हुई थी, समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हुआ। और बाकी जो बुजुर्ग गायब हैं गांव के, वो कहाँ हैं? कई लोगों का बुरा हाल है, मैंने भी अपनी नानी को चौकन्ना रहने को कह दिया। एक दिन राजू के दादा को बैंक किसी काम से जाना होता है। बेटा राजू, मुझे बैंक जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे? दादाजी, मुझे तो नौकरी पर निकलना है, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। आप संभल कर जाना और ऑटो रिक्शा ले लेना, गांव के बुजुर्ग गायब हो रहे हैं, अपना ख्याल रखना, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है बेटा। फिर राजू के दादा घर से निकल जाते हैं बैंक जाने के लिए। राजू सही कहता है, मुझे संभल कर जाना होगा और चौकन्ना रहना होगा, कहीं मैं भी रामलाल की तरह गायब ना हो जाऊं। फिर उसके दादा ऑटो ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में उन्हें एक ऑटो रिक्शा दिखता है, वो उसे हाथ देते हैं और वो रुक जाता है। जी बाबा जी, कहाँ जाना है आपको बताइए। इस ऑटो वाले के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है और उसकी आँखें हल्की लाल होती है। बेटा बस बैंक तक जाना है, जाओगे? हाँ जी, बैठिए। फिर दादाजी उस ऑटो में बैठ जाते हैं। आज मेरे शिकार में एक बुड्ढा और बढ़ गया। अब आएगा मजा। अरे बाबा जी, मुझे ना अपने घर से कुछ जरूरी सामान उठाना है। पर तुम्हारा घर है कहाँ, मुझे देरी ना हो जाए। अरे नहीं बाबा, बस रास्ते में ही पड़ता है मेरा घर, अभी ले लूँगा तो ठीक है, वरना पता नहीं कब चक्कर लगे घर का। ठीक है बेटा, ले लो फिर तो। ऑटो वाला अपना ऑटो एक सुनसान जगह की ओर ले जाने लगता है। अरे बेटा, ये कैसी जगह है, कितना सुनसान इलाका है, तुम यहाँ रहते हो? हाँ बुढ़ाऊ, यही है मेरा घर, यहाँ तेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे जाने दो, जाने दो। अब तू कहीं नहीं जाएगा। फिर ऑटो वाला एक खंडहर के पास ऑटो रोकता है और वो ऑटो वाला जबरदस्ती उस बूढ़े को उस खंडहर के अंदर ले जाने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई है यहाँ? अरे पापी छोड़ दे मुझे, अरे कोई बचाओ बचाओ मुझे। दादाजी बहुत चीखते पुकारते हैं, पर उस सुनसान जगह पर उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। ऑटो वाला उन्हें भी अंदर ले जाता है। देख बूढ़े, अब तू भी यहीं रहेगा। जैसे ही उस बुढ़े दादा की नज़र बाकी बूढ़े बंदियों पर पड़ती है, उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे पापी दोस्त, तूने इन मासूम लोगों को यहाँ बंदी बनाया हुआ है, और इनके घर वाले कितना परेशान हो रहे हैं, तो वो तू है जो गांव के बूढ़े लोगों को गायब कर रहा है। तभी रात हो जाती है और एकाएक वो ऑटो वाला अपने असली रूप में आ जाता है। आखिर मेरा समय आ ही गया। मेरे शिकारी दिमाग से कोई नहीं बच सकेगा। हाँ बढ़ाऊ, मैं ही हूँ जो पूरे गांव के बूढ़ों को गायब कर रहा हूँ इतने समय से। यहाँ मैं तेरा भोजन करूंगा।
उधर राजू रात को नौकरी से वापस आता है। अरे दादाजी कहाँ हो, क्या कहा बैंक वालों ने? दादाजी, अरे ओ दादाजी। राजू की आवाज़ सुन के उसकी माँ पानी लेके आती है। अरे बेटा आ गया तू, ये पानी पी ले। दादाजी कहाँ है माँ, कब से आवाज़ लगा रहा हूँ? अरे बेटा वो अभी तक आए ही नहीं है बैंक से, मुझे लगा तू भी उनके साथ गया होगा। अरे माँ मैं तो नौकरी पर था। हे भगवान, मेरी ही मत मारी गई थी जो उन्हें अकेले बैंक भेज दिया, अब क्या करूं? इधर आधी रात को भूतों की टोली उस खंडर में आती है। अंधेरा कायम रहे दोस्तों, अंधेरा कायम रहे, कहो आज किसका नंबर है? अरे नंबर किसी का भी हो, हमें तो पार्टी करने से मतलब है, क्यों दोस्तों? सही कहा, चलो खेत में चलते हैं और एक बुड्ढे को भी ले लो, पार्टी करेंगे। फिर सारे भूत उन बंदियों में से एक बुड्ढे को पकड़ के साथ एक खेत में ले जाते हैं। अरे अपने पापों से डरो दोस्तों, अभी भी समय है, जाने दो सबको। सबसे पहले हम तुझे मुक्त करेंगे। और सारे भूत मिलके उस बुड्ढे पर हमला करते हैं और चांदनी रात के आगोश में उसकी चीख पुकार कोई नहीं सुन पाता। फिर सारे भूत उसके मांस को खाने लगते हैं और अपनी पार्टी करते हैं। इधर राजू हैरान परेशान सुबह होने का इंतजार देख रहा होता है। फिर अगली सुबह, चलो आज खेत पे पानी दे देता हूँ, फसल अच्छी आएगी। हरिया खेत पहुँचता है पर वहाँ की मिट्टी को खून से भरी देख उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये देखो एक और लाश, अरे आओ जल्दी सब, एक और बूढ़ा शरीर का मांस खाया हुआ पड़ा है। हरिया की आवाज़ सुन के सब दौड़े आते हैं। राजू भी वहाँ पहुँचता है। हे भगवान मेरे दादाजी की रक्षा करना, कहीं ये मेरे दादाजी ना हो। गाँव वाले की हालत खराब हो जाती है। अरे ये कोहराम तो बढ़ता ही जा रहा है, आज एक और आधा खाया शरीर मिला है, जल्दी पता करना पड़ेगा कौन है इन सब के पीछे, वरना एक एक करके सारे बुजुर्ग की जान खतरे में होगी। राजू को अब चैन नहीं पड़ता, वो गांव वालों के साथ मिलके एक योजना बनाता है। राजू एक बूढ़े के भेष में उसी बैंक के रास्ते पर चल पड़ता है। रास्ते में से उसे वही ऑटो वाला मिलता है। आओ बाबा जी बैठो, कहो कहाँ जाना है आपको? राजू को उस ऑटो वाले के हाव भाव देख के शक हो जाता है। अरे बेटा मुझे जरा बैंक जाना है। हाँ बिल्कुल बैठो आप। फिर वो ऑटो चलाने लगता है और किसी बहाने से उसी खंडहर के पास ले जाता है। अरे रुको बाबा, मैं जरा टिफिन ले आऊँ अंदर से। अरे ये कैसी जगह है, ये तो भूतिया खंडहर लगता है, कुछ तो राज है इस खंडहर का। अरे मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, गला सूख रहा है, जरा पानी पिला देना मुझे भी। अरे शिकार तो खुद ही आ रहा है। फिर दोनों अंदर जाते हैं, मौका देखते ही ऑटो वाला भूतिया रूप में आ जाता है। ए बुड्ढे तू तो खुद ही आ गया मेरा शिकार बनने। अब मैं तुझे भी बंदी बनाऊंगा। राजू वहाँ सारे बुड्ढे लोगों को देखता है तो मन भर आता है उसका। अरे दादाजी आप यहाँ हैं? ए दुष्ट पापी भूत, ये सब करके अच्छा नहीं किया तूने। राजू अपने असली भेष में आता है। अच्छा धोखा, बूढ़े के भेष में जवान, आज तू नहीं बचेगा। दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं और लड़ने लगते हैं। अभी वहाँ राजू का पीछा करते करते बाकी गांव वाले भी हथियार लेके आ जाते हैं। भूत उन सब के सामने टिक नहीं पाता, गांव वाले उस भूत को बंदी बना के उसी खेत में ले जाते हैं। अब तू भी इसी खेत में मरेगा, इसे इस गहरे गड्ढे में फेंक दो और गड्ढे में आग लगा दो। वे लोग ऐसा ही करते हैं और कुछ ही देर में भूत जल के राख हो जाता है और गांव वाले
उस गड्ढे को मिट्टी से बंद कर देते हैं।